हेलो दोस्तों, ओम इलेक्ट्रिकल एन बी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्लोअर एंड सेंसर प्रॉब्लम। ये देखिए, टेंशन असेंबली के नीचे जो लगा हुआ रहता है, मतलब टेंशन असेंबली के ऊपर जो लगा रहता है ब्लोअर एंड सेंसर, ये बॉबिन का धागा सेंस करता है। अगर ये सेंसर काम नहीं करता है तो हर कट के बाद बॉबिन चेंज होती है। इसमें जब धागा चलता है तो एक इंडिकेशन दिखाता है हरे कलर का, वह चलना चाहिए। जैसे ये बाजू के स्पिंडल में दिखाया था वैसे ही कंटिन्यू लाइट्स चालू होना चाहिए जब रनिंग में स्पिंडल रहता है तब। तो ये देखिए, ये कट करने के बाद में तुरंत बॉबिन चेंज कर रहा है। इसलिए इसको रेड येलो लाइट निकाल के सक्शन आर्म ऊपर करके टेंशन असेंबली खोल लेना है। टेंशन असेंबली खोलने के बाद में ये दो स्क्रू और साइड में लगा हुआ एक स्क्रू खोल के ब्लोअर एंड सेंसर बाहर निकालना है। ब्लोअर एंड सेंसर बाहर निकाल के स्क्रू ड्राइवर या ट्विस्टर की मदद से उसको ओपन कर ले। ओपन करने के बाद में जो क्लियर वाला जो कवर है जहाँ से धागा सेंस होता है वहाँ फ्लब आ जाता है या वो धुंधला हो जाता है, उसको अच्छे से साफ करें। ये जो सेंसिंग पॉइंट है इसको क्लियर साफ करें। ब्रश से या फिर एयर मार के साफ कर सकते हैं। इसको साफ करने के बाद में फेवी क्विक से ऊपर का कवर अच्छे से लगा दीजिए और हर साइड से फेवी क्विक लगा दीजिए, क्योंकि इसमें फ्लब नहीं जाना चाहिए। और फेविक्विक सूखने के बाद में इसको टेंशन असेंबली में फिट कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरा लोअर एंड सेंसर है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर इसको क्लीनिंग करके फेविक्विक से चिपका के ये भी क्लियर हो जाता है।
टेंशन असेंबली फिट करने के बाद में अभी देखो स्पिंडल ऑन किया है। स्पिंडल रन हो गया है। और यान कट करने के बाद में अभी देखो मैगजीन घुमा नहीं क्योंकि बॉबिन भरा हुआ है। अभी सेंसर ओके काम कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।